तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ENDI ग्रुप पे, जहाँ पे मैं एजुकेशन से और डिवाइस से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। आप क्वेश्चन नंबर वन भी देख सकते हैं, वो भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड से बोल रहा है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। तो दोस्तों, हमें प्रूफ करना है कि जैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये इसकी फॉर्म में हो, 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर q सम इंटीजर। तो चलिए करते हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो हमारा b हो जाएगा वो 6 है। b = 6, ये देखो दोस्तों, b = 6। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6, और यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट। तो दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, a = bq + r और डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। तो दोस्तों, हमारा b हमारा 6 है, a = 6q + में r, हमको r की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे ऐसे हमारा b = 6 है, तो हम r 5 तक लेंगे, तो 4r = 0 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारा b होगा, जैसे b 6 है, तो हम r 5 तक लेंगे, उससे कम लेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं, when r = 0 then a = 6q + 0 और a = 6q, then when r = 1 then a = 6q + 1 and when r = 2 then a = 6q + 2 and if r = 3 then a = 6q + 3, r = 4, 5 and r = 4 then a = 6q + 4 and r = 5 then a = 6q + 5। तो दोस्तों, जैसे हमने r 5 तक पुट कर लिया है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ में 6q जो है, और ये 6q + 2 और ये 6q + 4, हमारे पास इवन है। और बात हमारी क्वेश्चन में ऑड की करी गई है, बात हमारी ऑड में की गई है। तो दोस्तों, जैसे कि ये दो इवन है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसके अलावा ऑड लेंगे, क्योंकि ये इवन इसलिए क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमारा ऑड क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, 6q + 1, 6q + 3 और ये 6q + 5। तो सो वी कैन से डैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, सॉरी दोस्तों, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, बिकॉज a = 6q + 1, a = 6q + 3, a = 6q + 5, all we have proved above, hence proved। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो दोस्तों इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।